आप सभी को एकलव्य एजुकेशन फर्स्ट में स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं, एकलव्य एजुकेशन फर्स्ट कोचिंग सेंटर में ये फैन लगाना है, फैन लेकर आए हैं। सोचा कि एक वीडियो बना लें। दो फैन आया है कोचिंग में, ओरिया का फैन है जैसा आप लोग देख रहे हैं। सत्तर वाट पावर है इसका, प्लस माइनस 5% टॉलरेंस दिया है यहाँ पर। बारह सौ एमएम इसका स्वीप है, इसकी 410 RPM, प्लस माइनस 5% घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। और पिंट दिया है 1795 रुपये। आइए हम अब इसको सेट करते हैं। कैसे सेट किया जाता है, इसको देखते हैं। देखिए टोटल फैन का सामग्री इसमें रहता है ऑलरेडी पहले से ही। एक कैप है, ये देखिए राड होता है। अगर इसको छत हाइट पर ज़्यादा है तो ये 2 फीट 3 फीट 5 फीट अपने हिसाब से जो मिल जाता है मार्केट में, लेकिन ये ऑलरेडी कंपनी प्रोवाइड की है इसमें। ये देखिए पंखे को हैंग करने के लिए, ये देखिए पेपर है, गारंटी पेपर, देखिए SRBK इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रास बिहारी कॉम्प्लेक्स नई बाजार से फैन परचेज किया गया है। और 2 साल का इसका गारंटी मिला है। फैन स्क्रैच, इसका नीचे स्क्रैच ना आए इसलिए इस पर रखा जा रहा है। फैन को सेट करने के लिए सर्वप्रथम देखिए इसको जो इसमें पंख लगा होता है, 3 पंख है इसमें, पंख लगाएंगे। क्वालिटी अच्छी है इसका।
अभी जब ये कोचिंग सेंटर ओपनिंग हो जाएगा तो बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताएंगे। इसको कभी भी रिमूव नहीं करना चाहिए। देखिए लिखा है डू नॉट रिमूव मस्ट यूज, इसको यूज करना ही चाहिए। इसके यूज करने से ये जो पंख है इसको बहुत सपोर्ट मिलता है, ओपन नहीं होता है। ऐसे तीनों पंख को लगा लेते हैं। पंख को लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से पेचकस की सहायता से कस देते हैं। कसने के बाद अब इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन इसका बहुत इजी होता है। देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट निकालकर डायरेक्ट सप्लाई में दिया जाता है। इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। बहुत सब कुछ समझने के लिए अभी समय बहुत है, अच्छे तरीके से समझाएंगे। अभी कोचिंग में लगाना इसलिए सोचा कि वीडियो आप लोग बना कर देंगे। तो इसका इसमें राड लगाएंगे। राड लगाने के लिए देखिए पिन रहता है, पिन सेफ्टी के लिए रहता है। पिन को डाल देंगे फिर उसी तरह। अब इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए इस वायर को, ये जो होल दिखाई दे रहा है, इधर से डालेंगे। ऐसे निकाल लेते हैं और जो ये वाला होल दिया है, ये वाला, इस वायर को इसी होल से निकालना होता है क्योंकि इसमें स्क्रू लगा रहेगा। अगर इसमें रहेगा, इधर से निकालेंगे तो पंखा जो है फैन को
जो सीलिंग में लगाएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, तो इधर से निकाल देते हैं। अब इससे पाइप लगा देते हैं। देखिए इसका पहले वायरिंग कर देते हैं। वायरिंग करने के लिए इसका जो टर्मिनल है कटिंग प्लायर्स का यूज करके इसको इसका इंसुलेशन हटा लेते हैं, फिर इसको अच्छी तरह से ट्विस्ट कर लेते हैं। वायर को ट्विस्ट करने के बाद ये जो पॉइंट दिया है रेड या ब्लैक कोई किसी में भी डाल सकते हैं, या इसमें रेड कर सकते हैं या इसमें कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए कनेक्ट हो गया, अब इसका पाइप लगा लेते हैं। तो इसका नीचे पाइप हो गया और ये ऊपर का पाइप रखता है। देखिए हमारा ये फैन एकदम पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। इसका जो कनेक्शन हो गया, फैन का जो ये पंख है पंख लग गया। अब इसके बाद इस वायर को इस होल से निकाल कर जो सीलिंग में लटकाने के लिए जो दिया है इसको सीलिंग में लटका कर इसमें कस देते हैं। उसके बाद ये जो वायर है इसका एक न्यूट्रल और एक फेस, एक टर्मिनल न्यूट्रल और एक लाइन कनेक्ट कर देते हैं। हमारा फैन ऑलरेडी चलने लगता है। इस प्रकार एक नए फैन का पंख से लगाए कनेक्शन होता है। अभी एक फैन और है, अभी दो फैन और लाना है। जैसे कोचिंग लग जाता है सोचें कि आप लोगों को ये ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दें, और जैसे ही सब कुछ सही हो जाता है तो बहुत अच्छी तरह से हम बताएंगे। अभी समय बहुत कम है, बहुत जल्दी जल्दी में वीडियो बनाना पड़ गया जान लीजिए। अभी जब ओपनिंग हो जाएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।